ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं मैथ्स का आपका 8th स्टैंडर्ड का इक्वेशन इन्स वन वेरिएबल। तो उसमें से हमने 12.2 में से 2 एग्जांपल्स कंप्लीट किए वर्ड प्रॉब्लम, और हमारा थर्ड एग्जांपल चल रहा है। बच्चों, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। और हमारा पिछला चैप्टर जो हो गया है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो बच्चों, तो देख लेना आप। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँगी, और आप वो पहली बार देख सकोगे बच्चों, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है हमारा द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल्स वेविंग 700 ग्राम। तो हमें दिया है वेट, रेशियो दिया है, एक ब्रास का जो यूटेंसिल्स है बर्तन है, और उसका जो वेट है वो भी दिया है, और उसमें जो यूज किए है कॉपर एंड जिंक उसका रेशियो दिया है हमें। तो रेशियो कितना दिया है, देखिए 13:7। तो हमें पहले इससे जिंक कितना है, कॉपर कितना है, ये निकालना पड़ेगा, और बाद में हमें आगे का सोचना है। तो रेशियो मतलब क्या है बच्चों, तो डिवाइड फॉर्म में हम लिखते हैं रेशियो, जैसे कि कॉपर अपॉन जिंक, मतलब कॉपर का जो है ऊपर लिखेंगे और जिंक का है वो नीचे लिखेंगे। हम देखते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दी है पहले वो लिखते हैं। तो रेशियो आपको पता है, तो पहले 13 जो है वो कॉपर का होता है, और जिंक जो है वो 7 वो बाद में है, इसीलिए उसका 7 होगा। तो रेशियो आपको पता है, रेशियो में जो दिखाया गया है पहले वेट ऑफ कॉपर, तो कॉपर का पहले का होता है, और जिंक का जो है वो सेकंड में है, तो सेकंड का होता है 7। तो हम पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दी है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में द रेशियो ऑफ, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है वो सब हमें लिखनी है। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। तो 13:7 हमारा दिया है रेशियो। तो अब उसका हम देखते हैं कि जिंक कितना है, और लेट द वेट ऑफ कॉपर, पहले कॉपर है तो कॉपर का 13 होगा, तो वो पहले लिख लेते हैं। तो एक्स मानेंगे हम उसका, तो लेट द वेट ऑफ कॉपर बी, लेट द लिखना है, लेट द वेट ऑफ, तो वेट मान रहे हैं हम बच्चों, हमें वेट दिया है, जो एडिशन है दोनों की वो दी है, वो आगे देखेंगे, लेकिन हमें वेट दिया है और वेट लिखना है, लेट द वेट ऑफ कॉपर। तो पहले कॉपर का है तो कॉपर का लिखना है, लेट द वेट ऑफ कॉपर बी कितना है, 13 है, और हमें मानना है, इसीलिए हम इसको एक्स मानेंगे, 13x। तो वेट तो हमें पता नहीं है, रेशियो पता है, 13x इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर निकालना है कितना है, रेशियो भी रेशियो में दिया है, तो ये हो गया 13x। इसका वेट जो है
कॉपर का वो है 13x। अब देखना है जो जो जिंक का है, तो जिंक का लिखना है देन द वेट ऑफ जिंक इज, देन द वेट ऑफ जिंक, वेट जिंक का लिखना है अब वेट ऑफ जिंक इज। तो हमें ये रेशियो में दिया है और उससे हम अलग अलग लिख रहे हैं। देन द वेट ऑफ जिंक इज कितना है 7, तो 7x हो गया। तो ये हो गया 7x। वेट कितना माना हमने 7x, क्योंकि 7 हमें रेशियो में वेट दिया है और हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x मानेंगे 13x, 7x वेट माना इसका कॉपर का और जिंक का। अब आगे हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो देखनी है बच्चों, फाइंड द वेट ऑफ जिंक। तो आपको जिंक का जो वेट है वो आपको जो फाइंड करना है, निकालना है। और इन ब्रास इंटेंसिस, जो ब्रास इंटेंसिस है उसमें जिंक का जो है वेट वो निकालना है। वेविंग 700 ग्राम, और उसका जो वेट है बच्चों इंटेंसिस का, बर्तन का जो वेट है वो है 700 ग्राम। तो वेट दिया है दोनों का मिक्स में, तो हमें इक्वेशन बनाना है, क्योंकि दोनों जो है कॉपर और जिंक वो एडिशन करके मिला के 700 होते हैं बच्चों, इसीलिए हमें इक्वेशन लिखना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो लिखेंगे फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या दिए है हमें कि कॉपर और जिंक मिला के उसका वेट जो है, यूटेंसिल्स का जो वेट है वो 700 है। इंफॉर्मेशन अब लिखेंगे 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 700। इक्वेशन बनाना है हमें, तो बनाया क्योंकि इसकी एडिशन दी है, कॉपर और जिंक की वेट की जो है वो एडिशन करनी है हमें, और एडिशन करके जो उसके बराबर दिया है 700 वो लिखा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करनी है, तो क्या करना है, 13x है 7x है इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो 13x और 7x कितने होते हैं, तो 20x हो गए। तो हमें 20x लिखना है और इक्वल टू का साइन लिखेंगे, 700 जैसा है वैसा लिखेंगे। अब हमारे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बीच में कौन सा साइन है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो डिवाइड में जाएगा ये 20। तो अब 20 का टेबल बोलना है और इसको डिवाइड करना है, अगर 20 का आता है नहीं तो 2 का लिखेंगे तो भी आपको आ जाएगा। तो ये 2 का टेबल लिखा और उस पर 10 लगाया, तो देखना पड़ेगा अब 20 से कौन सा डिवाइड होता है, तो 3 जा 60 होता है बच्चों, 20 1 सा 20 20 3 जा 60। तो रह गया है कितना, तो 1 रह गया है, ऊपर से 10, ऊपर से 1 लिया तो 10 हो जाएगा। और हमें हम यही डिवाइड करते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 20 3 जा 60 आ गया बच्चों, और ये माइनस किया तो 10 आ गया, और ऊपर से लिया 0 तो 25 आ गया हमारा 100। तो ये हमारा 35 मिल गया है, तो 35 लिखेंगे। देखिए हमने डिवाइड किया है और हमारा आंसर 35 आ गया है, तो x इज इक्वल टू 35 आ गया है, तो वो हमें लिखना है x इज इक्वल टू 35। अब क्या निकालना है वो देखना है, x की वैल्यू निकाली मतलब हमने क्या निकाला, द वेट ऑफ कॉपर। अब देखना है क्या है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल्स, फाइंड द वेट ऑफ जिंक निकालना है। तो जिंक का निकालना है आपको, तो 7x है जिंक का बच्चों, तो 7x से हमें जिंक का जो है वेट वो निकालना है। तो वेट ऑफ जिंक इज लिखेंगे, द वेट ऑफ जिंक इज
वेट ऑफ जिंक इज। तो हमें एक्स की वैल्यू मिली है बच्चों, वेट नहीं मिला है अभी तक, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू मिली है और वो एक्स की वैल्यू हम डालेंगे और वेट निकालेंगे। ये 7x है तो 7 × 35 करना है और कितना आता है देखना है। 7 × 35 कीजिए तो हम इधर बाजू में करते हैं 35 × 7 तो 7 × 35 तो 3 लिखेंगे, 7 × 3 = 21, 22, 23, 24 तो कितना आ गया 24 आ गया। और 245 क्या है, ग्राम है, तो ग्राम में वो हमारा वेट आ गया है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम 245 ग्राम। तो आपने, आपको जो पूछा गया है वो निकाला, जिंक निकाला है। तो जिंक का है 7x बच्चों, तो 7 जैसा है वैसे लिखा, x की वैल्यू हमारी 35 आ गई है तो x की वैल्यू डाली और इसको हमने मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाला 245 ग्राम। तो द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल इज, तो आपको आंसर भी लिखना है। तो आप इधर मैं लिख रही हूँ, आप नीचे ही लिखना जो आंसर लिखना है। तो आंसर क्या है हमारा, द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल, जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल कितनी आ गई है हमारी, तो इंटेंसिस इज 245 ग्राम। तो आपको नीचे ऐसा आंसर लिखना है। तो ये आंसर है, मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि जगह नहीं है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो ये आपका आंसर है, आंसर आपको नीचे लिखना ही चाहिए। जब वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो आंसर हमें लिखना ही चाहिए। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो लिखना जरूरी है वो सब लिखेंगे। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी, रेशियो में दी थी, वो हमने लिखी। वेट ऑफ कॉपर माना 13x, तो वेट ऑफ जिंक माना 7x क्योंकि हमें रेशियो दिया है और हमें वेट पता नहीं है, तो वेट हमने एक्स माना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 13 × 13x माना, 7x माना, जो इंफॉर्मेशन दी थी कि दोनों का जो है कॉपर और जिंक का एडिशन 700 है, तो वो लिखा, इक्वेशन बनाया, इक्वेशन सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली और जो हमें पूछा गया था जिंक का वो ही निकाला है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जो फोर्थ एग्जांपल है हमारा वो लिख लिया है हमने। फाइंड द कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। तो हमें कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स दिए हैं, बताया गया कि फाइंड द कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45। तो ऐसे होल नंबर्स है जिनकी जो एडिशन है मोर देन 45 है। थ्री नंबर्स की जो एडिशन है बच्चों वो मोर देन 45 है। अब पहले देखना है कि होल नंबर कौन से है। तो होल नंबर्स की एडिशन दी है, मतलब होल नंबर की एडिशन मोर देन 45 दी है आपको, मतलब हमें होल नंबर्स कौन से है और कैसे लिखने हैं वो पहले देखना चाहिए बच्चों। तो होल नंबर्स तो आपको पता होंगे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, और होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इनफाइनाइट इन्यूमरेबल नंबर्स होते हैं। आगे बहुत से नंबर्स होते हैं, आपको पता है कि वो बहुत से होते हैं, आगे हम देख नहीं सकते, इतने गिन नहीं सकते, लेकिन वो आपको देखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो होल नंबर हमें है 0, 1, 2, 3, 5 जो आपके काउंटिंग नंबर्स है, जो होल नंबर्स है वो कितना, उसमें कितना फर्क है आप देखें तो 0 और 1 में जो डिफरेंस है वो 1 का होता है, 1 और 2 का, 1 और 2 में जो है अंतर, डिफरेंस
ओ वन का होता है बच्चों। तो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव होल नंबर्स इज वन। तो जो डिफरेंस होता है तो हमें होल नंबर मानना है एक्स, क्योंकि हमें होल नंबर्स का दिया है, हमें जो मोर देन 45 है तो हमें होल नंबर्स चाहिए। तो पहले हम होल नंबर मानेंगे एक्स और ऐसा सोचेंगे कि नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों वन और टू थ्री फोर, वन टू में टू थ्री में डिफरेंस होता है सिर्फ वन का, तो हमें होल नंबर्स लिखने हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव होल नंबर इज वन। एंड सॉल्यूशन में पहले लिखना है हमें द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स consecutive whole numbers is one, तो one होता है। तो अब हमें क्या करना है, तो consecutive whole numbers मानने हैं, तो numbers भी, तो numbers कैसे लिखेंगे ये देखना है। अब जब हम पहला जो number है हमारा वो x मानेंगे, numbers भी क्या लिखना है हमें, three numbers चाहिए हमें बच्चों। तो पहला तो हमने whole number x मान लिया, और दूसरा कौन सा मानेंगे, तो हमने देखा है कि डिफरेंस मतलब वन से ज्यादा होता है, वन और टू में डिफरेंस वन है, मतलब अब हमें बड़ा देखना है। पहले हमने एक्स माना है, एक्स से आगे कौन सा होगा, तो एक्स प्लस वन होगा बच्चों, क्योंकि हर एक नंबर वन से ज्यादा है। तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो एक्स प्लस वन होगा, क्योंकि अगर हमारा टू नंबर है और आगे हमें थ्री देखना है तो क्या करेंगे हम, टू प्लस वन थ्री आएगा। वैसे ही अगर हमने एक्स माना है बच्चों, तो एक्स प्लस वन हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, क्योंकि वन डिफरेंस से मतलब आगे हमें देखना है तो वन से वो बड़ा होगा। एक्स प्लस वन हो गया, और जो आगे का होगा थर्ड नंबर होगा वो वन और टू और थ्री से बड़ा होगा, तो x प्लस थ्री आएगा। तो क्या है, सॉरी x प्लस टू आएगा, ये x है, x प्लस वन है, और थर्ड जो नंबर है वो टू से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें और इसमें टू का डिफरेंस आएगा, वन टू और थर्ड नंबर हमें मिलेगा टू के डिफरेंस में। तो पहला है x, दूसरा है x प्लस वन, तीसरा है x प्लस टू, ऐसे हमें ये होल नंबर्स मिल गए बच्चों। तो नंबर्स मिल गए, लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स, तो हम अच्छे से लिखते हैं, लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स, लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स। तो सब लिखना है हमें बच्चों, तो लिखा होल नंबर्स भी, पहला है x, क्योंकि पहला x माना और x से ज्यादा वन से होता है आगे, तो x प्लस वन हो गया सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर हो गया x प्लस टू। अब ये हमारे थ्री नंबर्स आ गए होल नंबर्स। अब देखना है जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे क्या होता है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि सम इज मोर देन 45, मोर है 45 से ओ मोर है, मतलब देखते हैं, लिखते हैं और बाद में मैं समझाती हूँ आपको। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो लिखते हैं, पहले लिखेंगे नंबर्स की एडिशन, द गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो बच्चों क्या करना है, एडिशन करनी है, तो एडिशन करके हमें जो इंफॉर्मेशन दी है
वो लिखनी है। तो पहले लिखते हैं x प्लस वन, तो तीनों की एडिशन हमें लिखनी है, प्लस x प्लस टू। तो सब लिखा हमने, जो भी हमारे थ्री नंबर्स है उनकी एडिशन तो लिख ली। अब क्या है, whose sum is more than 45, तो ये जो इनकी सम है बच्चों वो मोर है, तो मोर का साइन जो है वो इधर होना चाहिए, मोर देन 45 है, तो यहाँ हम 45 लिखेंगे। तो ये 45 लेस है और 45 से मोर मतलब ज्यादा इनकी एडिशन आ जाएगी बच्चों, इसीलिए मैंने ये साइन इधर किया है, क्योंकि ये तीनों नंबर की एडिशन ज्यादा है 45 से। तो चलिए हम देखते हैं अब एडिशन, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x हो गया, तो 3x लिखना है आपको, एक्स 1x 2x 3x 3x लिखा। अब नंबर की एडिशन कीजिए, 1 और 2 आ गया 3, तो मोर देन है जैसा वैसा लिखेंगे 45, तो लिखा। अब क्या करना है बच्चों, तो आपको देखना है कि क्या करना है, प्लस 3 है तो अपोजिट ऑपरेशन करेंगे, माइनस 3 करेंगे दोनों साइड, लेकिन वो करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। तो यहाँ प्लस 3 है तो इधर हम माइनस 3 करेंगे बच्चों, तो 3x प्लस 3 माइनस 3 45 माइनस 3। तो क्या किया हमने, इसका अपोजिट ऑपरेशन किया और माइनस 3 लिखा। अब ये प्लस 3 और माइनस 3 गए बच्चों, 3x जैसा है वैसा रह गया, ग्रेटर का साइन आ गया, 45 में से 3 गए तो 42 आ गए हैं बच्चों, कितने आ गए 42। अब x निकालनी है आपको, तो x इज ग्रेटर देन 42 अपॉन 3 लाना है आपको, ये 3 जो है वो इस साइड लाना है, ग्रेटर देन के इस साइड लाना है, तो 3 नीचे आ गया। अब आपको डिवाइड करना है, 3 1 3 3 1 3 रह गया 1 और 3 4 12, तो 14 आ गया है आपका, तो x इज ग्रेटर देन 14, x इज ग्रेटर देन 14, तो क्या आ गया, x जो नंबर है आपका होल नंबर वो 14 से ग्रेटर है। तो अब नेक्स्ट कैसे निकालना है, तो 14 से ग्रेटर है मतलब आपका जो 14 के आगे का नंबर होता है वो है 15, तो x कितना आ गया, 15 आ गया, क्योंकि 14 के आगे बड़ा नंबर जो है वो 15 है, तो x आपका आ गया 15, तो 15 लिखना है आपको, x इज इक्वल टू 15, क्योंकि 14 से ग्रेटर है तो ये हमने 15 लिख लिया है। हमें निकालने हैं आगे के नंबर, लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन ये होगा कि बट लेस देन भी दिया है हमें 54, इसका क्या करेंगे, लेकिन ये 1 ही यूज करना है, अगर आपने मोर देन का यूज किया इसमें तो ये साइन आएगा, और लेस देन का यूज किया तो आपका यहाँ दूसरा आएगा जो 54 है, लेकिन सिर्फ 1 का ही यूज करना है बच्चों, सिर्फ मोर का यूज करें या ग्रेट इसका और लेस देन का, तो हमने ये यूज किया है और निकाला है, तो इससे करना अब नहीं चाहिए, क्योंकि 1 ही सिर्फ यूज करना है और हमारा एक्स तो हमें मिल गया 50। अब देखना है आगे के नंबर, तो बच्चों देखते हैं यहाँ आगे लिखते हैं, एक्स 15 आ गया है, तो हमारा जो आगे का नंबर है एक्स प्लस 1, तो यहाँ आगे लिखते हैं एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो बीच में कॉमा है बच्चों, एक्स प्लस 1 निकालना है, तो एक्स है 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 आ गया, तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो 16 आ गया है। अब हमारा थर्ड नंबर निकालेंगे एक्स प्लस 2, तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, एक्स की जो वैल्यू है वो 15 है और प्लस 2 लिखना है तो 17 हो गया, तो ये हमारे 15 16 17 हमारे क्या है,
होल नंबर्स है, कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स है जो एक के बाद एक आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स। तो लिखते हैं आंसर, तो आंसर मैं आपको यहाँ लिख के देती हूँ। आंसर है हमारा, क्या लिखना है, द कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स, द कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स आर, तो इज नहीं लिखेंगे यहाँ, ज्यादा है तो आर लिखेंगे। कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स आर क्या है, पहला 15, 16, 17, तो लिखेंगे 15, 16 and 17, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर कौन सा है, कैसे निकालना है उसको, तो हमने निकाल लिया है। तो ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल हो गया है बच्चों। तो देखा हमने कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर 1 से आते हैं, 1 डिप्रेस होता है उसमें, अगर हमने पहला x माना तो x के आगे का जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, x प्लस 1 लिखा, और आगे का नंबर x प्लस 2 से ज्यादा होगा तो वो लिखा, उनकी एडिशन लिखी, और जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी इनकी एडिशन मोर है 45 से, वो हमने लिखी, और जो हमने जो सॉल्व किया कि जो एक इक्वेशन बनाया और सॉल्व किया है, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन है बच्चों, तो वो यूज किया है हमने, और कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स निकाले हैं। तो बच्चों हम यहाँ तक रुकते हैं, और हमारा जो एग्जांपल है सॉल्व, हमने सॉल्व किए वर्ड प्रॉब्लम, वो आप अच्छे से देखिएगा, हर एक एग्जांपल अलग है बच्चों, तो अच्छे से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो कोई भी आप जो वीडियो है मिस नहीं करेंगे, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करना है आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बच्चों।